ओडिशा में कुल्डिहा बोल के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं। तो कुल्डिहा अभी हम लोग नहीं पहुँचे, मतलब कुल्डिहा पहुँचने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, लेकिन इधर जंगल जाने के लिए एक परमिट करवाना पड़ता है, तो वही परमिट ऑफिस में हम लोग आए हैं। परमिट करवा के हम लोग डायरेक्ट जाएंगे नेचर कैंप में। उधर पहुँच के बाकी का वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल हो तुम पैसा, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली हम लोग कुल्डिहा पहुँच चुके हैं। तो पीछे आप लोग देख पा रहे हो, ये हम लोग का टेंट है, आज हम लोग इधर रहने वाले हैं। तो अंदर मैं जाके अभी दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत भूख लगे, ऑलमोस्ट डेढ़ बजने वाला है। तो अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि लंच से पहले मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, क्योंकि ये टेंट है, तो ये बेड है और ये है एक, मुझे ये ओपन करके रखना पड़ेगा वरना लाइट बहुत कम आने वाला है। ये एक मिरर है और ये छोटा सा टेबल है, और सर लाइट बहुत ही कम है इधर। ये स्पेस उन लोगों ने दिया है, और ये है बाथरूम, जो कि आपको टेंट से बाहर निकल के ऐसे बाथरूम में जाना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ, रात को बहुत ही डर लगने वाला है जब बाथरूम जाएंगे। तो ये वॉशरूम है, ये जो है ये टेंट है, और ये पीछे वाला का जो पार्ट है ये बाथरूम है, मतलब टेंट और बाथरूम के बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। और हर एक टेंट पर ऐसा ही है। तो आफ्टर लंच हम लोग जा रहे हैं, तो माइक मैं कैरी नहीं कर रही हूँ, इसीलिए पता नहीं शायद आवाज़ थोड़ा कम आ सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे जंगल में घूमते घूमते सामने एक डैम हम लोगों ने देखा, ये एक ऋषिया डैम है ना शायद, हाँ ये ऋषिया डैम है। तो बहुत ही अच्छा है सारा, मतलब तो पूरा डैम में ना लोटस है, मैं सामने से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो पीछे डैम है, तो सामने जाके पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ।
हम लोग सफारी में गए थे कल, तो रात में बहुत ठंड था इधर, और डिनर भी बहुत अच्छा था। मतलब लंच में मैंने दिखाया आप लोगों को, डिनर भी बहुत काफ़ी अच्छा था। अभी फिर से हम लोग जंगल सफारी में जा रहे हैं, तो जो गाड़ी हम लोगों ने बुक किया था, जो मतलब स्टेशन से हम लोगों को पिकअप किया था, वही गाड़ी थ्रू आउट हम लोगों के साथ है, और सफारी में भी वही गाड़ी हम लोगों को ले जाने वाला है। मतलब कल भी ले गए थे, आज भी जाएंगे। तो सुबह उठ के हम लोग चाय पी के अभी निकल रहे हैं, आके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, मतलब आप लोग देख सकते हो पूरा कोर जंगल एरिया में ये है। और इधर एक चीज़ जो है, इधर मीट अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो कोर एरिया में है, तो ये लोग इसीलिए जो चिकन या फिर मटन ये इधर आपको नहीं मिलेगा मील में, और या फिर बारबेक्यू वगैरह ये इधर नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पूछा था कि ऐसा क्यों है, तो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि रेस्ट्रिक्टेड है इधर, बिकॉज ये कोर एरिया में है इसीलिए। तो कल वाला जो जंगल सफारी में हम लोग गए थे, सिर्फ एक हिरन देखने को मिला था। तो अभी देखते हैं अभी लक और अच्छा काम करता है या नहीं। सो लेट्स गो। सो आज 26 जनवरी है, तो हम लोग तो जंगल सफारी में निकले थे, तो इधर आके हम लोग देखते हैं, तो इधर 26 जनवरी सेलिब्रेट हो रहा है पूरा जंगल के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। रास्ते में हम लोग को एक हिरन और सांबर पिस्ते दिख गया था, तो वो वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही इंस्टेंट था उस टाइम पे ना, बहुत शांत रहना होता है, इसीलिए हम लोग कर नहीं पाए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो लोग ऐसे दौड़ के चले गए सामने से, तो हाँ अच्छा अच्छा लगा। और वो अगर कैप्चर भी करना पड़ता तो मेरे ये फ़ोन से तो नहीं होता, इसके लिए बहुत अच्छा कैमरा चाहिए। तो हाँ अभी हम लोग वॉच टावर पे जा रहे हैं, जाके देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? बोरसिमुलिया। ये क्या वाटरफॉल है ना? वाटरफॉल। हाँ इधर से आवाज़ भी आ रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल। पता नहीं आवाज़ आप लोग को अभी आ रहा है नहीं, कि हम लोग को तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, तो सामने जाके देखते हैं। ये पूरा जंगल के अंदर है, बहुत ही अच्छा एक साउंड थेरेपी हो रहा है हम लोगों के लिए। तो इधर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत शांत है आसपास, कुछ कोई है भी नहीं, पूरा जंगल के अंदर एक ऐसा वाटरफॉल। थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करके हम लोग जाएंगे फिर से जाके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे, निकल के फिर से एक जंगल सफारी दूसरा एक स्पॉट में जाने वाले हैं। अभी जो टैरिफ है मैं वो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, तो ये टेंट में ये लोग दो लोगों को अलाउ करते हैं, टू एडल्ट्स। तो इसका टैरिफ है 3000 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें फर्स्ट डे का लंच से लेके सेकेंड डे ब्रेकफास्ट तक मील इंक्लूडेड है,
और ये 3000 रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स एंड ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो लगेगा। और ये आप ओडिशा इको टूरिज़म का एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोगों ने बुकिंग किया है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग उधर चेक कर सकते हो और उधर से आप लोग बुकिंग भी कर सकते हो। और ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो भी स्टाफ है बहुत ही अच्छा था, मतलब बिहेवियर वाइज एंड सर्विस बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो मैं डेफिनेटली ये जगह आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। आप लोग बहुत, अगर नेचर अच्छा लगता है बहुत इंजॉय करोगे इधर। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि इधर सोलर सिस्टम से उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, तो टेंट में कोई भी प्लग पॉइंट नहीं है जहाँ से आप चार्ज दे सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ टू कैरी योर ओन पावर बैंक विथ यू। एंड और एक चीज़ है, इधर कोई भी नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस है, आप मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते इधर से, क्योंकि ये कोर एरिया में है, तो कुछ भी कोई भी नेटवर्क इधर अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं चेकआउट करके जा रही हूँ और एक जगह पे हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं और इधर ही हम लोग लंच करेंगे। इधर चेकआउट टाइम है 9:30, तो ऑलमोस्ट अभी 10 o'clock हो रहा है, तो अभी निकल रही हूँ। इन लोगों को हम लोगों ने बोल दिया कि लंच इधर ही हम लोग आज लंच करने वाले हैं, तो ये लोग ये अरेंज कर देंगे। तो आप लोग भी अगर जंगल सफारी करके इधर ही लंच करके जाना चाहते हो, तो आप लोग पहले से उन लोगों को इन्फॉर्म कर दो, दे विल अरेंज इट। ये बिल्कुल ये कोरी एरिया में हम लोग आ गए हैं स्पेशल परमिशन लेके। तो ये एरिया आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत ट्रैवल व्लॉग देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो अफ्रीका का कोई भी वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो उधर पूरा जो भी मतलब कोर फॉरेस्ट एरिया होता है ना, ऐसा टाइप का होता है, ऐसा खाली टाइप का होता है। तो ये एरिया देख के मुझे बिल्कुल वैसा ही मतलब लग रहा है अभी, ऐसा टाइप का मैं पहली बार देख रही हूँ इंडिया में, तो मतलब हो भी सकता है लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एरिया पूरा, आप देखो पूरा देख सकते हो, ये पूरा कोर एरिया है लेकिन ऐसा है, ऐसा टाइप का है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा घूम के फिर से स्टेशन जाएंगे, 7 बजे का ट्रेन है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। ये जगह मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगा ये जगह पे आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।